आज हम लोग क्लास फोर के लिए विशेषण चैप्टर टेन में विशेषण हम लोग को पढ़ना है, पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम जो होता है उसकी विशेषता को, गुण दोष को बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विशेष कहते हैं। विशेषण अपने विशेष के लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं। विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले अथवा बाद में भी होता है, जथा सुंदरम चित्रम अस्ति, चित्रम सुंदरम अस्ति। यहाँ लिखा है सुंदरम चित्रम अस्ति, है ना। यहाँ पर सुंदर जो है, जो विशेषण है वो पूर्व में है, और चित्र जो है, जो विशेष है वो बाद में है। परंतु यहाँ पर ठीक क्या कर दिया गया है, विशेष को पहले कर दिया गया है और विशेषण को बाद में किया गया है ना। इसमें एक खास बात है कि जिस प्रकार से वचन और लिंग विशेष्य का होता है, विशेषण का भी जो है वही लिंग और वचन होते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग विशेषण के रूप में बालक के समान चलेंगे, है ना। अकारांत अगर है विशेषण तो किसके समान चलेंगे, इसके रूप चलते हैं किसके समान, तो बालक के समान चलेंगे, चलते हैं। जैसे उत्मा उत्मा उत्मा, सुंदर बालक, दो सुंदर बालकों और बहुत से सुंदर बालक, है ना। अकारांत स्त्रीलिंग विशेषणों के रूप लता के समान चलते हैं, जैसे उत्मा उत्मे उत्मा, है ना। अब और आगे जो है अकारांत नपुंसक लिंग विशेषणों के रूप में फल के समान चलेंगे, जथा उत्मा उत्मे उत्मानी, है ना। अब कहने का मतलब ये है कि आपका विशेष जिस पुरुष और वचन में होगा, विशेषण भी उसी पुरुष और वचन में होंगे। इसको हमको ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार हमें इसको बनाना है। जैसे अब यहाँ पर दिया है लिंग के अनुसार विशेषण के प्रयोग एक वचन में दिया हुआ है, जैसे विशेषण है क्या है, उत्तम है। यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, उत्तम, अच्छा। ये पुलिंग में है उत्तम बाल का, एक वचन में है ना उत्तम बाल। अब स्त्रीलिंग में यही अगर है लड़की के बारे में, या देखो कथा, कथा क्या है, स्त्रीलिंग है, आकारांत है, तो लता के समान चलेगा, तो उत्तमा कथा हो गया। और नपुंसक लिंग में अगर गीत है, ये नपुंसक में है गीत, तो इसका विशेषण भी जो है उत्तमम हो जाएगा, उत्तमम गीतम गीतम। अब उसी तरह से श्रेष्ठ है ना, जिसको अथी बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। अब जैसे है श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठा महिला, और श्रेष्ठम पुस्तकम, है ना। अलग अलग लिंग के अनुसार सबका हो गया आपको, देखो, है ना। फिर पवित्र है, पवित्र देश, पवित्रता नदी, और पवित्रम नगरम। ये पुलिंग के समान हो गया, ये लता के समान हो गया, है ना, बालक के समान, और ये लता के समान, और ये जो है सो फल के समान हो गया। अब यहाँ पर विशाल है, विशाल जो है ये तो विशेषण है हम जानते हैं, लेकिन जो है यह भी अगर यह पुलिंग में आ जाएगा तो विशाल पर्वत, जैसे पुलिंग है पर्वत, तो हाँ विशाल हो गया। यही जो है कारा, कारा स्त्रीलिंग है, तो अब यही विशाल जो है विशाला हो गया, यहाँ विशाल है तो यहाँ विशाला हो गया। और देखो यहाँ भवन नपुंसक में है तो विशालम भवनम ऐसा हो गया, है ना। अब शीतल है, अब शीतल पवन, पवना पुलिंग में, स्त्रीलिंग में शीतला छाया, है ना, छाया का है शीतला है, शीतल कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा यहाँ, या शीतलम कर देंगे तो भी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि छाया स्त्रीलिंग है, इसलिए ये शीतल को हम शीतला करेंगे तभी ठीक होगा, अगर शीतला कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर भी उसी तरह से है, जल है तो नपुंसक में है तो शीतलम जलम होगा, शीतला जलम नहीं लिख सकते हैं, या शीतला जलम नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर विद्वान है तो विद्या, विद्या नरा, विद्या शिक्षिका, और विद्यम मित्रम, है ना। अब उसी तरह से मूर्ख को देखो, अज्ञा गर्दभ, अज्ञा कन्या, अज्ञम मित्रम। अब यहाँ चंचल है, चंचल, चंचला बालक, चंचला बालिका,
और चंचलम जलम, है ना। तो वचन के अनुसार विशेषण उत्तम के प्रयोग अब यहाँ पर दिया हुआ है ना। उत्तम छात्र, उत्तम वस्व, उत्तम गजा, बहुवचन में हो गया ये भी, है कि नहीं। ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है, ये बहुवचन में हो गया पुलिंग में। अब स्त्रीलिंग में देखो, उत्तम बालिका, उत्तम छात्र और उत्तम माला। अब यहाँ पर देखो नपुंसक लिंग में, उत्तम नगरम, उत्तम पात्रे, उत्तमानि कार्याणि। तो इस तरह से हम लोग इसको जो पढ़े हैं उसी के अनुसार जो है इसको जो है हम इसको दिमाग में बैठाएंगे, कंठस्थ भी कर लेंगे और इसके बाद में इसको घेरा लगाना है, विशेषण को घेरें। कैसे घेरना है, जैसे दिया हुआ है अभी हमने जो पढ़ाया उसी के अनुसार, है ना। अब जैसे जलम है तो नपुंसक में है तो मधुरम जलम हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पुरुष श्रेष्ठ, तो इसमें घेरा लगाना है, क्या बोलते हैं उसको विशेषण में, तो यहाँ श्रेष्ठ में लग जाएगा, श्रेष्ठ पुरुष, है ना। वस्त्रम श्वेतम, तो यहाँ वस्त्रम में लग गया, इसमें सभा विशाला, तो विशाला जो है वह जो है सो सभा जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए सभा के मुताबिक ये जो है विशेषण हो गया। ठीक है, धन्यवाद। और इसी के अनुसार आप लोग कोशिश कर लीजिएगा बनाने के लिए, नहीं तो फिर हम दूसरे दिन आप लोग को इसको अगले दिन जो है मैं भर बना दूंगा, आप लोग भी बना लेंगे। आज कितने तारीख हो गया,